हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर टू लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में लाइन कटने के बाद लाइन चालू कैसे करना है यह देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तब लाइन स्वतः कट जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज कैसे करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो जब आप वापस रिचार्ज करते हैं तब लाइन स्वतः चालू हो जाना है और काफ़ी बार हो भी जाता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में रिचार्ज करने के बाद भी तुरंत में लाइन चालू नहीं होता है एवं आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। इस स्थिति में हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपना लाइन तुरंत चालू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि यह तरीका सिक्योर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लिबर्टी 200 और लिबर्टी 500 के लिए एप्लीकेबल है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में लगाए जा रहे हैं। वीडियो में दो तरीका बताया गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब वीडियो पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि वीडियो में दो तरीका बताया गया है, अतः आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आप पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ सकें। रिचार्ज करने के बाद लाइन चालू करने के लिए आप अपना बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप ओपन कीजिए। मोर पेज में जाइए, माई कनेक्शन ओपन कीजिए, मीटर नंबर पर क्लिक कीजिए और टोकन हिस्ट्री ओपन कीजिए। इसमें आपको सबसे ऊपर अभी का किया हुआ रिचार्ज राशि शो करेगा, जिसमें रिचार्ज अमाउंट के बगल में ऑरेंज कलर का एक सर्किल में एक्सक्लेमेशन का ये वाला सिंबल दिखेगा। अगर आप मीटर के पास मौजूद हैं तब ये सेंड टू मीटर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से मीटर में रिचार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपका ब्लूटूथ ओपन नहीं रहता है तो यह आपसे पहले ओपन करवाएगा। ओपन करवाने के बाद आगे कम्युनिकेट करते हुए अमाउंट को ट्रांसफ़र करेगा। रिचार्ज अमाउंट मीटर में जैसे ही ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होते ही आपका मीटर स्क्रीन पर एक्सेप्टेड का मैसेज आएगा और आपका लाइन चालू हो जाएगा। अब दूसरे केस पे आते हैं कि अगर आप मीटर के नज़दीक मौजूद नहीं हैं या जो लॉगिन वाला मोबाइल है मीटर के पास मौजूद नहीं है, तब दूसरा ऑप्शन मीटर में रिचार्ज कोड को एंट्री करके लाइन चालू करने का होता है। रिचार्ज कोड, जिसे टोकन नंबर भी कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए आप टोकन हिस्ट्री में जाइए, जो हमने पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया है। टोकन हिस्ट्री में जाइए और दिख रहे करंट रिचार्ज के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको ये 20 डिजिट का टोकन नंबर शो करेगा। इसके अतिरिक्त आपको टोकन नंबर रिचार्ज कंप्लीट होने पर नीचे साइड में मिलेगा। इसी कारण प्रत्येक रिचार्ज का आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। साथ ही रिचार्ज के बाद मोबाइल नंबर पर जो मैसेज प्राप्त होता है उस मैसेज में कर्ली ब्रैकेट में रिचार्ज टोकन नंबर लिखा हुआ होता है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त यदि तीनों में से कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप अपने एरिया के जूनियर इंजीनियर या कंसर्न ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके आप रिचार्ज टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब रिचार्ज टोकन नंबर प्राप्त करने के बाद आप या जो व्यक्ति मीटर के पास मौजूद हैं वो जाकर मीटर का बटन पैनल दिए गए जगह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद start/edit बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मीटर स्क्रीन पर लाइन 1 इंटर शो करेगा। अब 20 अंकों का टोकन नंबर पूरा इंटर करेंगे जो स्क्रीन पर शो करता जाएगा। जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे वैसे वैसे डिजिट्स ऊपर में स्क्रीन पर शो करेंगे। पूरा एंट्री होने के बाद मीटर स्क्रीन पर प्रेस सबमिट शो करेगा, तब आपको सबमिट बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने पर मीटर में इन प्रोसेस और एक्सेप्टेड शो करेगा और इसी के साथ रिचार्ज अमाउंट मीटर में चला जाएगा और लाइन चालू हो जाएगा। अगर मिस्टेक से कोई अंक गलत टाइप हो जाता है, गलत डाला जाता है, तब मीटर स्क्रीन पर आपको 20 अंक डालने के बाद एरर डिजिट्स का मैसेज शो करेगा एवं कोड आपको दोबारा एंटर करना होगा। अगर आपको कोई अन्य परेशानी आती है या कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।